स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहादुरगढ़, जहाँ कल कैश ख़त्म हो गया था, ठीक है। और आज अभी टाइम हुआ है 8 बजे और लाइनें लग चुकी हैं। कितने बजे आए थे भाई साहब? 5 बजे आए थे आप भाई साहब? 5 बजे आए थे। और आप लोग पीछे सबसे आगे वाले किस टाइम आए थे? 5 बजे पहले आ गए। 5 बजे से पहले आए हुए हो। कैश मिलने की उम्मीद है आज? कल कैश खत्म हो गया था। मिल जाना चाहिए। और उधर है एटीएम वालों की लाइन, एटीएम वाले भी शांति से बैठे हैं। मोदी जी के इस फैसले के बारे में क्या कहना है आपका? मोदी जी के फैसले के बारे में, मोदी जी जो करा है कि मोदी जी ने काम, वो बहुत बढ़िया काम करा है। और ये जो परेशानी हो रही है, आप 5-5, 6-6 बजे आके लाइन में लग रहे हो, इससे आदमी को थोड़ा तो कष्ट है, मगर इससे हमें कोई परेशानी नहीं। हम बहुत खुश हैं मोदी जी के फैसले। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? हम क्या कहें, परेशानी नहीं हो रही है हमें? कोई परेशानी नहीं है जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है आपको बाबू जी? बाबू जी यही तो 300 दिन का है स्टेट बैंक की जी, ये आज की नहीं है, ये मोदी सरकार के राज में ही नहीं बल्कि और सबके राज में यही काम। हाँ, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो काम होता है वो चलता है इस तरह से कि वहाँ पे अगर 5 इंसानों का काम है तो वो 15 में जाके मिनट आएंगे। सर अभी जो नोटों की प्रॉब्लम है उसकी समाधान में तो टाइम लगेगा। और तो कल यहाँ करेंसी ख़त्म हो गई थी, पता है आपको? आए थे कल आप? कल मैं क्यों कहूँ, कल कौन कौन आया था जो करेंसी ख़त्म हो गई थी? हर जगह खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो कल पुराने नोट मिल रहे थे? कल पता नहीं पुराना मिल रहा था। क्या कहना है आपका मोदी के इस फैसले के बारे में? बढ़िया किया है। तो जो परेशानी हो रही है इस परेशानी में साथ देने को तैयार हो? थोड़ा दिन के लिए, बिल्कुल थोड़ा दिन के लिए, तभी तो हुआ है। आप मुस्कुरा रहे तब क्या क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि ये परेशानी कुछ भी नहीं है, बॉर्डर पर लड़ने से तो बहुत कम है, ये तो क्या परेशानी? ये बात तो आपने ठीक कही, बॉर्डर पर लड़ने से पहले नौकरी करी है, बिल्कुल ये तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। हम तो एक साल भी भुगतने तैयार है, ये तो 10-20 दिन की बात। भाई बीच में बढ़ने के वाली बात ऐसी है, अपने आप को और अपने आगे से पीछे वाले को ध्यान रखो, अपने आगे से पीछे वालों को ध्यान रखो। टाइम हुआ है 8:05, शटर खुल चुका है, अब आगे देखते क्या मिलेगा। भाई आया है, बोलो ना भाई उसको कि भाई लाइन में आ जाओ। और पहले से अगर कोई बंदा बैठा हुआ है जी, सर ये बड़े बुजुर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बड़े बुजुर्ग के लिए अलग से सीनियर सिटीजन की लाइन लगाई हुई है जी। मैंने लाइन लगाई थी जी। हाँ जी, वो हटा दिया, बोला नहीं केवल शनिवार को ये सुविधा मिलेगी और किसी दिन नहीं। ऐसा नहीं है, कल भी मैं यहाँ आया था, मैं कल पैसे जमा करवा के गया था। अच्छा। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ अलग से, बड़े बुजुर्ग के लिए अलग से सीनियर सिटीजन की लाइन लगाई हुई है जी। मैंने लाइन लगाई थी जी। हाँ जी, वो हटा दिया, बोला नहीं केवल शनिवार को ये सुविधा मिलेगी और किसी दिन नहीं। ऐसा नहीं है, कल भी मैं यहाँ आया था, मैं कल पैसे जमा करवा के गया था। अच्छा। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ अलग से, लेडीज के लिए उस तरफ अलग से, और जो आम आदमी है उसके लिए इधर से। अच्छा, यहाँ तक कि जो चालान भरने वाले हैं उनके लिए भी लाइन है, वो भी आम लाइन से आएंगे। कोई कुछ भी काम करवाने जाएगा अंदर, वो लाइन से जाएगा, ताकि यहाँ अंदर उपद्रव ना हो। थोड़ा मोदी जी का एक्सक्लूसिविटी होना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये पहले से कर दिया है, नोट एक्सचेंज की प्रतिक्रिया बंद हो चुकी है बिल्कुल ही। अगर आपका खाता है तो अपने खाते में जमा करवाओ, अगर नहीं है तो अपना रखो। बिल्कुल 31 दिसंबर तक खाते में आप अपना पैसा जमा कर सकते हो, ठीक है? मतलब ये डाकखाने में होंगे, बैंक में होंगे, किसी में भी, डाकखाने में है डाकखाने में जमा करवा दो, बैंक में है बैंक में करवा दो। कोई दिक्कत नहीं है उससे, ना कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेहनत की कमाई किसी की कहीं नहीं जाएगी, मेहनत की कमाई सबकी ऐसे कैसे रहेगी? हो सका भाई, किसी
लाख हो तो फिर ऊपर टैक्स लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। आपको बुलाकर ये पूछा जाएगा कि आप ये पैसा लेकर कहाँ से आए, आप कहाँ से लेके आए। ये मैं अपनी दिहाड़ी मजदूरी और क्या, बस तो फिर जमींदार। बस तो फिर जमींदार के ऊपर तो वैसे भी कोई वो नहीं है, ठीक है। गृहणियों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर, इनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जमींदार। लेकिन आपका काम होना चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कहीं से भी लेके आया तो क्या हो सकता है। काम क्या किया आपने, कैसे करा है, कितने टाइम से कर रहे हो, उस पैसे का क्या किया आपने, ठीक है। उसके तहत गवर्नमेंट आपसे पूछेगी। टैक्स है जी, साल का 2.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। 2.5 लाख, हाँ। और जिसने पहले करवा रखा सर पिछले उस नवंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख और ही कराया सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, टैक्स कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। खाते में पहले से पैसा पड़ा हुआ है, उस पे कोई टैक्स नहीं है। 2 लाख मतलब पिछले नवंबर में करवाया था। हाँ, कोई टैक्स नहीं है उसके। एफडी भी पूरी हो रही है पर करवा नहीं पाऊं। उस पर कोई टैक्स नहीं है। जी, उस पर किसी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है।